सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पेपर लेता हूँ, तो वंदे भारत का लेखक कौन थे? तो वंदे भारत का लेखक बात करें तो गाइस तो बंकिम चटर्जी थे। सो आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था? तो इलेक्ट्रिक बल्ब को किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था, एडिसन ने बनाया था। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, सब बताएगा, 7 होते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो सारे बच्चे जानते हैं, गुजरात में हुआ था। लोक नायक किस उपाधि पाने वाले हैं? तो लोक नायक जो बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक नाम से भी जाना जाता है। वेद कितने हैं? तो वेद सब जानते हैं कि टोटल वेद 4 हैं। भारत में कितने राज्य हैं? तो सब जानते हैं अभी टोटल 28 राज्य हैं अभी, ठीक है। 29 रास्ते, एक हट गया जम्मू कश्मीर, 27 राज्य हो गए हैं, ठीक है। तो अभी भी बात के लिए 28 राज्य हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, सब जानते हैं, ये हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी डी हो जाएगा इसका आंसर। समाचार पत्र किस सूची में आता है? तो समाचार पत्र का हम बात करें गाइस तो ये संवर्ती सूची में आता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प किसे कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो सब जानते हैं कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रीय पशु का बात करें गाइस बाघ है। लोकसभा में कितने सदस्य होती है? तो अभी 545 सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? 25 साल होने चाहिए। राज्यसभा का मनोनीत की संख्या कितनी है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? तो सी यहाँ पे 12 दिए हैं, बट प्रेजेंट टाइम क्या है मालूम नहीं, क्वेश्चन के पेपर प्रीवियस ईयर है। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? बिहार का विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? तो गैस बिहार के विधान परिषद में जो सदस्य की बात करें यहाँ पे 96 दिखाया गया, बट 96 नहीं है, ठीक है। सो दिस द रॉन्ग है, आप लोग चेक कर लीजिएगा गूगल पे सर्च करके। किस राज्य में विधान परिषद का सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम अगर बात करें गए तो जम्मू कश्मीर दिखाया जा रहा है, बट अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तो अभी कोई और राज्य होगा। राष्ट्रपति होने के लिए कम से कम कितना उम्र होनी चाहिए? 35 साल। भारत में संघ कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो संघ पार्लय का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में डॉक्टर आर के नारायण किस राज्य के निवासी है? ये करेंट अफेयर क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम वर्ष कितने होनी चाहिए? तो राज्यपाल का नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष होना चाहिए। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है ना। राज्य में उच्च न्यायालय न्यायाधीश की आयु का पद बनना, उच्च सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का, ठीक है ना, हाई कोर्ट का न्यायाधीश किस आयु के अपने पद बनता है, ठीक है, किस आयु तक अपने पद बना होता है? तो वैसे हम इसका बात करें तो 65 वर्ष तक है। उच्च न्यायालय का कुल कितने सदस्य हैं? तो ये भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और ये तो अभी 32 दिख रहा है, बट अब 30 है, सॉरी 30 क्या मतलब अब ये अभी 32 हैं। उच्च न्यायालय का के कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 32 है। वायुमंडल में सबसे निचले भाग का नाम क्या होता है? तो यहाँ वायुमंडल के सबसे नीचे भाग को क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
रेडियो ट्रंक का मंडल किससे होती है? तो रेडियो ट्रंक जो होती है, रेडियो ट्रंक जो किस मंडल में चलती है? तो रेडियो ट्रंक जो बात करें तो अर्जुन मंडल में चलती है। कितने ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 सेल्सियस घट जाता है? तो गैस ये हम बात करें कितने सेल्सियस पर जाने पे, 165 सेंटीमीटर जाने पे 1 सेल्सियस तापमान घट जाता है। विस्तृत रेखा के दोनों ओर शांत क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बात करें यहाँ पे ड्रोलम। भारत की धूल भरी हवा किस नाम से पुकारा जाती है? धूल, भारत को धूल भरी, अच्छा भारत में जो धूल भरी है वो लू बोलते हैं, ठीक है। धूल भरी हवा जो राजस्थान से चलती है। लघु ज्वार भाटरा कब आती है? तो लघु ज्वार भाटरा का गैस की बात करें तो लघु ज्वार भाटरा ऐसे स्थिति उस समय आती है जब सूर्य गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के समकोण पर होता है और उसी प्रकार ज्वार का 1 माह 2 बार का अष्टमी के दिन आते हैं, ठीक है। तो कुछ ये है, सो इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में बात करें प्रशांत महासागर है। विश्व के सबसे अधिक लुगदी उत्पादन कहाँ होती है? तो लुगदी उत्पादन बात करें गैस तो कनाडा में होती है। चांदी सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन कहाँ पे होती है? तो चांदी सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें गैस तो मैक्सिको या कनाडा होगा। सो बात करें मैक्सिको है। वस्तु तीर्थु कनाडा का बहने वाली हवा क्या बोलते हैं? वसंत ऋतु में कनाडा में बहने वाली हवा को क्या बोलते हैं? यहाँ तो इंडिया में तो वसंत ऋतु ही बोलते हैं, सो उसको बोलते हैं चिंगू बोलते हैं। संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कहाँ पे है? तो संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन का बात करें गैस तो संसार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन न्यूयॉर्क ग्रीनलैंड टर्मिनल है, ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दिया होगा। कौन सा देश डेयरी उद्योग में सबसे अधिक विकसित है? तो डेयरी उद्योग में अगर बात करें गैस सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो आपका डेनमार्क है। पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे। संयुक्त गणतंत्र का सबसे बड़ा नगर के नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त सबसे बड़ा गणतंत्र का नाम जाता है लंदन। ये मैथ है, मैथ क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, सिर्फ जीएस जीके को मैं करवाऊँगा। जर्मनी कौन सी कृषि कहलाती है? जर्मनी की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? तो जर्मनी की जो कृषि है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। रूस के प्रमुख नदी कौन सी है? तो रूस के प्रमुख नदी का वगैरह से बात करें यहाँ पे तो वोल्गा है। रूस के सबसे बड़ा आकार के फॉर्म क्या कहते हैं? रूस के सबसे बड़े आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं? तो रूस के सबसे बड़ा आकार के फॉर्म को क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं, ठीक है। रूस के किस फसल के से चीनी निकलता है? तो रूस के किस फसल से चीनी निकलता है? तो यहाँ पे चुकंदर, इसलिए बोलते हैं उस टाइम रूस और इंडिया का बीच का क्या था, रिलेशनशिप बहुत मजबूत था, तो ये करंट अफेयर के रूप में भी देखा जाता है। बट अब इतना रूस से क्वेश्चन नहीं आएगा जी, ठीक है, याद रखें। अब आप लोग से बेसिक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सारा बेसिक है, ठीक है, जो आप लोग एक बार पढ़ के जानते ही होंगे। वायुमंडल के बदलती दशा को क्या कहते हैं? वायुमंडल को बदलती दशाओं को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की बदलती दशाओं को कहते हैं मौसम, ठीक है ना। आर्द्रता ज्ञात करने में कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आर्द्रता ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चंद्रमा पे पृथ्वी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन। चंद्रमा को पृथ्वी पर परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है, ठीक है? सो ये 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। भारतवर्ष के किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बात करें भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, बात करें गैस तो केंद्र शासित प्रदेश में जो दिल्ली है, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें ऐसे तो महाराष्ट्र, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भगवान महावीर का निर्णय स्थान कहाँ पर? तो भगवान महावीर का निर्णय स्थान पावापुरी में है, ठीक है। अगला, लंगड़ आम के लिए स्थान प्रसिद्ध है? लंगड़ा आम कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो लंगड़ा आम आपका मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध है। बिहार जी आई टैगी मिला है आम का, आप लोग बताइएगा। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं, जो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। उस टाइम भारत झारखंड एक था, इसीलिए इतना ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है।
बोकारो का कारखाना कहाँ पे है, तो बोकारो में लो का कारखाना है। ये मैथ का क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, मैथ का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी पक्षी पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मयूर हैं। जंगल का राजा कौन है, तो जानते हैं शेर को बोलते हैं। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो केरल का। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी नीतीश कुमार है। शरीर में कितने ज्ञानी दिन तरह है, तो बात करें यहाँ पे तो शरीर में अगर बात करें 5 है। शरीर में खून को साफ करने के लिए कौन सा भाग का नाम, अच्छा शरीर में खून साफ करने वाला भाग का नाम क्या है, शरीर में खून साफ करने वाला भागों का नाम बात करें गैस, तो आपका डी है गुद्दा। बिहार में गंगा नदी कितने रेल पुल हैं, बिहार के गंगा नदी पे कितने रेल पुल है, ठीक है, तो एक ही रेल पुल है, ठीक है ना। बिहार में गंगा नदी में कितने सड़क का पुल है, तो बिहार में गंगा नदी पे सड़क का पुल बात कर 3 है, ठीक है ना। वर्ष 1998 में एशिया खेल भारत में कितने स्वर्ण पदक मिला था, ये करेंट अफेयर का बिल लिप्टन किस देश के राष्ट्रपति, करेंट अफेयर सबको नहीं करेंगे, करेंट अफेयर भी करेंगे, ठीक है, देखते हैं। सोन का पशु मेला किस जिले में लगता है, तो सोन का पशु मेला अगर गैस बात करें तो सोन का पशु मेला वैशाली में लगता है। छठ पर्व जो होता है किस देवती की पूजा करता है, तो सूर्य के। भागलपुर में, भागलपुर शहर किस नदी के किनारे हैं, तो भागलपुर शहर जो बात करें गैस गंगा नदी के किनारे भी हैं। कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा स्थान कहाँ पे है, तो कोयला उत्पादन झरिया होगा, ठीक है, कहाँ पे होगा गैस, तो झरिया होगा, ठीक है, झारखंड में है। बिहार का खाद का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है, तो बिहार में खाद का कारखाना सबसे बड़ा बात करें सिद्र में, ठीक है ना। वॉलीबॉल खेल प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होता है, वॉलीबॉल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होता है, तो ये बेसिक इस क्वेश्चन 6 होता है। क्रिकेट में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होता है, तो ये मुझे नहीं लगता है कोई बच्चा बता नहीं पाएगा, सब बच्चा बताएगा। 11 बिहारी बाबू किसे कहते हैं, ठीक है ना, बिहारी बाबू बोला जाता है, हाँ सब यही बिहारी बाबू, लालू बाबू, लालू प्रसाद यादव को बोला, नहीं यार शत्रुघ्न सिन्हा को बोला जाता है। निम्नलिखित में पालतू जानवर कौन है, निम्नलिखित में पालतू जानवर का बात करें यहाँ पे, तो कुत्ता है। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा स्थित है, तो निम्नलिखित में कौन सा एक स्थिर है, स्थिर है जो अपने आप में जगह पे एक शांत है, ठीक है, तो सब जानता है कि सूर्य है, ठीक है ना। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। नकदी फसल को क्या बोलते हैं, नकदी फसल को तंबाकू बोलते हैं। घड़ा बनाने वाले को क्या बोलते हैं, तो कुम्हार बोलते हैं। लकड़ी को काम करने वाले को क्या बोलते हैं, तो बढ़ई बोलते हैं। निम्नलिखित में दवाई का पेड़ को नीम बोलते हैं। ताड़ी किस पेड़ के से निकली होती है, तो ताड़ी जो निकली होती है ताड़ के पेड़ से निकली होती है। अगला क्वेश्चन है, यार कैसे हो गया, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा बात करें नींबू में होती है। बच्चों के लिए किसका दूध अधिक लाभदायक होती है, तो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दूध लाभदायक दो भैंस का। त्रिभुज मैथ है, वर्ग का भुजा मैथ है, ये मैथ है, मैं मैथ का क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, मणिपुर GK GSC करवाऊँगा, इजी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें क्या बोलूँ आप लोग को। पानी के कुआं का आकार में कैसा होता है, तो पानी का कुआं का जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है। ऊन किससे मिलता है, तो ऊन जो है भेड़ से मिलता है। शरीर का ताप थर्मामीटर का जो नापा जाता है वो आपका सेल्सियस नहीं फारेनहाइट में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, फारेनहाइट में मापा जाता है। सचिन तेंदुलकर खेल है क्रिकेट से, ये सब इजी है। LMB किससे जुड़ा है, इजी क्वेश्चन इस एग्जाम में ही आता है, ठीक है ना, LMB जुड़ा है क्रिकेट से। सो थैंक यू।